विभूति नारायण का चल रहा है मुकदमा। अदालत में गुनहगारों के कटघरे में आ गए हैं विभूति नारायण। झूठ है ये, झूठ है ये, झूठ। मैंने कामयाब में खत्म नहीं किया, बल्कि इस चुनाव से ने कामयाब में खत्म किया सर। और भाभी जी के इस देवानंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं खुद सक्सेना जी, जो आज विभूति भैया के लिए वकालत कर रहे हैं। आप अपने नौबत भैया बच्चों और प्रेग्नेंट भी कसम खाने के लिए कोर्ट में ये चल रहा है कि विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ कत्ल का केस है और उन्होंने विक्रम चिन्नॉय नाम के एक आदमी का कत्ल कर दिया है और भाभी जी वगैरह बहुत दुखी हैं। और हमारे लिए सबसे मुसीबत वाली बात ये होगी कि हमने पगलेट सक्सेना को जो है अपना वकील रख लिया है और वो पगलेट जो है हमारा केस लड़ने के बजाय जो है हमारे विरुद्ध ही लड़ाई लड़ने लग गया है। विरोध पक्ष विभूति नारायण पर आरोप लगा रहा है। जज साहब, ये मेरे करियर में पहला वाकया है जब एक कातिल एक गवाह पर ये इल्जाम लगा रहा है कि वो कातिल है, जबकि विक्रम कानून की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उसने कत्ल होते वक्त इनकी फोटोग्राफ खींची और दारोगा हापू सिंह को भेज दी और उनके खिलाफ गवाही देने के लिए गवाहों को भी बुलाया गया है। जैसा वो तस्वीरें खींचने के बाद मैंने वो सारी की सारी तस्वीरें क्लाउड पे अपलोड करके दारोगा हापू सिंह जी को भेज दी। कत्ल मैंने किया उसका मैंने किया था। ऑर्डर ऑर्डर, आपको भी अपने बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा विभूति नारायण जी, आप खामोश रहिए। तो सक्सेना जी भी कुछ कम नहीं, कुछ नहीं कर पाए तो आरोप पक्ष के वकील के साथ गाली गलौज पर उतर आए और अदालत को बर्खास्त करवा ही दिया। तेरा मौकल कातिल है, तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू घटिया आदमी है, तू साले नीचा है, नीचा। तू बहुत बड़ा गिरा हुआ आदमी है, तू घटिया की गिरा हुआ है, यूं तेरा की गिरा तू गिरा। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि अंदर से हम चाहते हैं कि ये कोर्ट में के जेल में भर्ती हो जाए, जेल में चला जाए, ताकि हमारा और भाभी जी के बीच का रास्ता क्लियर हो जाए। तिवारी जी लाख चाहे मगर विभूति नारायण इस केस से बरी हो ही जाएंगे और वो बेगुनाह साबित होकर छूटेंगे, मगर इससे पहले यहाँ कोर्ट रूम में जो कुछ भी होगा वो देखकर जनता को भरपूर मजा आएगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।